नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट सिक्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 36 तक कराए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। आठ मित्र एफ जी एच एल एम एन ओ तथा क्यू एक सरल रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो बैठे हों। ये एच एन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये देखिए कैसे बैठा लोग आठ मित्रों को, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। इसमें बैठलना है, कैसे बैठलना है। H जो है N के दाएं, दाएं का मतलब ये देखिए इधर होता है लेफ्ट हैंड और इधर होता है राइट हैंड। राइट हैंड का मतलब दायां हाथ, लेफ्ट हैंड का मतलब बायां हाथ। राइट हैंड की बात करेगा जो भी व्यक्ति तो हम इधर बैठा लेंगे, लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ की बात करेगा तो इधर बैठा लेंगे। तो देखिए कैसे बैठलना है। H जो है N के यानी N पे के लिखा रहा है ना, तो पहले मुझे किसको बनाना पड़ेगा, N को। N के दाएं दूसरे स्थान पर, N के दाएं यानी N का दाएं किधर जाएगा, इधर राइट हैंड की साइड यानी इधर की साइड जाएगा दूसरे स्थान पर। पहला दूसरा कौन बैठेगा, ये वाला H, क्लियर है। तथा L जो है H के यानी H पे क्या आ गया, H पे के लिखा रहा है यानी H ये हमारा, एच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, एल। दाएं तीसरे स्थान पर, दाएं कहाँ, इधर आगे तीसरे स्थान पर, एक दो तीन कौन, एल। कितने व्यक्ति हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए। अभी देखिए एम जो है एफ के तुरंत दाएं बैठा है, एफ के। ये देखिए इसमें तो ना एन, ना तो हमारा एफ दिखाई दे रहा और ना ही एम इस वाले में। तो ये देखिए एफ के, पहले मैं एफ यहाँ लिखूँगा कि तुरंत दाएं बैठा है, दाएं यानी आगे कौन, ये M। इसका यूज अभी मैं इसमें कर दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। G तथा L के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या तथा Q तथा F के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। O जो है L के तुरंत दाएं बैठा है, L ये रहा हमारा, इसके तुरंत दाएं, दाएं यानी आगे, ठीक है। कौन बैठाना है, ओ, वो बैठ गया। कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक व्यक्ति रह गया। हो सकता है एक व्यक्ति यहाँ आए या हो सकता है एक व्यक्ति यहाँ आए, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये देखते हैं। तो ये देखिए ये एक साथ दो व्यक्ति बैठ रहे हैं ना, एफ और एम एक साथ बैठ रहे हैं। यहाँ पे तो जगह नहीं है दो लोगों की, यहाँ पे एक व्यक्ति की जगह, दो लोगों की जगह कहाँ दिखाई दे रही है, इसमें और इसमें। तो एफ और एम को यहाँ बैठा दोगे, एफ और M को यहाँ बैठा दोगे, क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब इसका यूज करेंगे। इसने एक चीज़ और बोल दी, F N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, F जो है N के पास नहीं बैठेगा, वैसे भी F N के पास नहीं बैठ रहा है, चलो ठीक है। अब ये देखिए O L के तुरंत दाएं बैठा है, O जो है L के तुरंत दाएं यानी आगे बैठा है ये O। लेकिन इसने एक और बड़ी बात बोल दी, जो कि G का निकटतम पड़ोसी नहीं है, G यहाँ नहीं बैठेगा, जी यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो हो सकता है जी यहाँ बैठे या फिर जी यहाँ पे बैठे, दो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। जी के लिए जगह यहाँ पे भी हो सकती है और जी के लिए जगह यहाँ भी हो सकती है। अब कैसे कैसे ढूंढोगे कि जी की जगह कौन सी, ये वाली है या फिर ये वाली। आठ व्यक्तियों के लिए इसको भी इंक्लूड कर लो, तो ये आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो रहे हैं। अब ये देखिए, अब हमें किसके लिए जी को देखना है, जी यहाँ बैठेगा या यहाँ। तो ये देखिए जी तथा एल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, यदि मैं जी को यहाँ बैठा लेता हूँ और एल तो हमारा ये रहा, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं, एक दो तीन, बोल रहा था जी तथा एल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या और क्यू तथा एफ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। अब क्यू के लिए जगह कहाँ रह जाएगी, यदि मैं जी को यहाँ बैठा दूँ तो क्यू के लिए जगह बस हमारी लास्ट जे बचती है, ये वाली, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अभी मैं बाद में लिख दूंगा, पहले कंफर्म करते हैं कि हमारा राइट आंसर आता है कि नहीं आता। जी तथा एल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, एक दो तीन, क्यू, क्यू और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं, क्यू और एफ, एक दो तीन, बराबर समान आ रही है। तो इसका मतलब हमारा ये सीटिंग अरेंजमेंट सही है। तो यहाँ पे क्यू आ रहा है और यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। बोल रहा था जी और एल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या एक दो तीन आ रहे हैं इनके बीच में, क्यू और एफ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। क्यू और एफ के बीच कितने व्यक्ति आ रहे हैं, एक दो तीन, तीन व्यक्ति यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो संख्या समान है। तो कुछ भी
करना नहीं पड़ा, सीटिंग अरेंजमेंट सही से हो गया। ये देखिए जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक था। एफ जो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ जो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन 32 का रिप्लाई करते हैं। यदि सभी व्यक्तियों को पूर्ण आरोही क्रम में बाएं से दाएं बैठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी रहेगा चेंज। परिवर्तित का मतलब होता है चेंज होना, अपरिवर्तित का मतलब होता है चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए बोल रहा है आरोही क्रम, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, यानी ए से स्टार्ट होता है फिर बी सी डी इस तरीके से। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ 32 का, यहाँ पे रिप्लाई करूँगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 व्यक्ति हैं। सबसे पहले ए बी सी डी में देखा जाए इन सभी में सबसे पहले कौन आता है, जी एफ आता है सबसे पहले, एफ, एफ के बाद कौन आता है, जी आता है, जी के बाद एच, फिर आई आता है लेकिन आई इसमें है नहीं, जे आता है, के आता है, एल, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी नहीं है, क्यू है। अब देखो कितने व्यक्तियों का स्थान चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित का मतलब चेंज नहीं रहेगा। क्यू का स्थान चेंज हो गया, यहाँ पे आमने सामने क्यू नहीं दिखाई दे रहा है, एन का स्थान चेंज हो गया, एच का स्थान चेंज हो गया, एल का स्थान चेंज हो गया, एफ का स्थान चेंज हो गया, एम का स्थान चेंज हो गया, एल का, ओ का, सभी का तो चेंज हो गया है। तो बोल रहा था कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए सभी का हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन में कर देना कोई नहीं की जगह सभी का होगा, चेंज नहीं होगा इसमें। अपरिवर्तित का मतलब होता है चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो सभी का हो रहा है, तो लिख देना सभी का नहीं, सभी का होगा, सभी का चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे सभी का होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, 33 की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठा है, पंक्ति के, ये देखो ये तो 32 का था, राइट हमारा सिटिंग अरेंजमेंट ये था, दोनों पंक्ति के किनारे पर कौन है, क्यू और ओ है, तो क्यू और ओ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा आपका। दी गई व्यवस्था में किसी आधार पर क्यू एन से संबंधित है, क्यू एन से किससे संबंधित है, बगल बगल में बैठा है, क्यू जो है एन से, एन से यानी इसके पीछे बैठा है, और एच तथा एफ से संबंधित है, एच जो है एफ से संबंधित है, एच जो है पीछे बैठा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एम किससे संबंधित है, एम किससे संबंधित है, एम किससे, से किस पे आ रहा है, ये देखिए क्यू जो है एन से संबंधित था, यानी ये पीछे बैठ रहा था, ठीक है। अब ये M किससे संबंधित है, M किसके पीछे, M किसके पीछे बैठ रहा है, L के, तो L से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी C होगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35 में Q तथा M के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, Q तथा M के बीच कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, H के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, H के बाएं, बाएं यानी इधर, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर Q बैठा है, तो तीसरे स्थान पर कौन होगा, Q, ये आपका राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर